यस मिस्टर केडिया, मैं बस पहुंच ही रही हूं। माँ, आपका ब्रेकफास्ट लगा दूं? नहीं सॉरी, मुझे देर हो रही है। सारे पॉइंटर्स लिख लिए मिस्टर केडिया? जी मैम। कागजात बनवाना शुरू कर दीजिए। मिस्टर केडिया, नाम की स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पेपर्स कल तक तैयार हो जाएंगे तो मैं खुद आकर साइन करूंगी। ओके मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर केडिया। अभी सर आप? माँ अभी जिन पेपर्स की बात कर रही थी वो मुझे देखने। पर सर अभी तो मेरे पास बस रफ ड्राफ्ट ही है। हाँ इसीलिए माँ चाहती है कि मैं चेक कर लूँ अच्छे से, कोई मिस्टेक ना हो, इसीलिए मुझे दे दीजिए। जल्दी कीजिए, माँ बाहर वेट कर रही है गाड़ी में। सर मैं एक बार मैम से पूछ लेता हूँ कि। मिस्टर केडिया। सर ये मैम के प्राइवेट पेपर्स हैं। और मैं आपकी मैम का बेटा हूँ। ओके माँ, कुहू के नाम 50 लाख कर रही है, इसीलिए कुहू ने अपना डिसीजन बदला। संभल जाओ वरना ये डील खत्म। अभी सर, अभी सर। थैंक यू। अभी जल्दी आओ, ये देखो मैंने क्या मंगाया है। आई नो बहुत बड़ा है, लेकिन हर बड़ा सॉफ्टवेयर हर बेबी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना। मैं कुकू को दिखा के आती हूँ, आओ ना। हाँ तुम चलो, मैं आता। जल्दी आना। इश्टी कितनी खुश है, मैं उसे कैसे बता दूं कि हमारे बेबी के लिए कुकू ने माँ के साथ एक डील की है। बचपन से लेकर आज तक माँ ने कुणाल और मुझे अपनी गेम्स का मोहरा बनाया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ये अगली जनरेशन तक नहीं पहुंचने दूंगा। बाकी के बॉयज कहाँ हैं? बॉयज नहीं, टॉयज होता है मामी। ओके सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट, पर उनको भी तो खोल कर देखना है ना। मामी इसे तो हमने एक्साइटमेंट में खोल दिया, लेकिन बाकी के ना जब मैं बड़ी माँ के यहाँ से लौटूंगी ना तब बेबी के साथ में खोलेंगे। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। मिष्टी तुम अपने घर जा रही हो? जी माँ, वो बेबी के होने के बाद कुछ महीनों के लिए हमारे यहाँ ऐसी रस्म होती है। तुम्हारे यहाँ होती होगी, हमारे घर में नहीं। कैमने थे? हाँ, नो। मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा। माँ अगर बेबी नया है तो माँ भी नहीं है ना। बेबी को कब क्या चाहिए वो तो एक माँ को सीखना होता है, और ऐसे टाइम में हर लड़की को उसकी माँ की जरूरत होती है, इसलिए मुझे भी बड़ी माँ की जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी टाइम टाइम पे हम बीबी को यहाँ पे आपसे मिलवाने के लिए लाते रहेंगे, पर माँ मैंने और अबीर ने यही डिसाइड किया है। मिस्टी इतनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, मॉम डैड हम हैं, हम जहाँ जाएंगे बेबी वहीं जाएगा। अच्छा अबीर, माता पिता सब कुछ और दादी कुछ भी नहीं, मुझे पूछे बिना? मिस्टी बेबी हमारा है, हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारा बच्चा है तो मेरा भी तो पोता है अभी। Of course, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो आपका असली वारिस होगा ना। अभी चलिए हम इसे कहीं नहीं ले जाएंगे, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? अभी ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं मिस्टी, माँ से उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम बताओ हमें बेबी के बदले में क्या मिलना चाहिए, वो मनाली वाला बंगला या फिर कैश में डील कर लें? इन्हीं से पूछ लेते ना। माँ आप बताइए, आपसे बेहतर लेन देन कौन समझता है? अबीर, अबीर ये तुम कैसी बात कर रहे हो, हमारे बेबी के बारे में बात कर रहे हो, कोई बिजनेस डील नहीं हो रही है। सोच मिष्टी, ऐसा सिर्फ तुम सोचती हो, बहुत सारे लोगों के लिए तो रिश्ते प्यार सब एक बिजनेस डील होती है, क्यों माँ? अबीर तुम क्या कह रहे हो, साफ साफ बताओ। मिष्टी याद है जब मैंने तुम्हें कहा था कि कुहू का सरोगेट बनने के फैसले के पीछे माँ है? I was right. मतलब
हमें तो पता है ना कि सरोगेसी की बात माँ ने शुरू की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूं। माँ ने अपने पोते के लिए, हमारे बच्चे के लिए कुह के साथ डील की है। What? नहीं अबीर, ऐसा नहीं हो सकता। माँ ऐसा क्यों करेंगी, तुम क्या कह रहे हो? माँ तो हमेशा से ही ऐसा करती है ना, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं और वो पैसों से कुछ भी खरीद सकती हैं। बेटा नहीं खरीद पाई तो पोता ही सही नहीं। अभी क्या हुआ माँ, रुक क्यों गई? क्या सच बर्दाश्त नहीं हुआ? तुम्हें क्या पता कि सच क्या है? सच और सबूत दोनों यहां है। ये कागजात मैंने अपनी खुशी से नहीं बनवाया अभी। कुहु खुद मेरे पास आई और उसने कहा कि अगर मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगी तो वो सरोगेट बनेगी। मिश्री, तुम तो अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती हो ना, कुहु कितनी लालची है। और मैं अपनी माँ को अच्छी तरीके से जानता हूँ। कुहु नादान हो सकती है, लालची हो सकती है, लेकिन इसकी मास्टरमाइंड आप है। वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। लेकिन इस बार आप बहुत आगे निकल गई माँ, अपने ही बेटे और छोटी बहू से अपने पोते के लिए बिजनेस डील कर ली। बेबी तो प्यार की निशानी होती है, लेकिन मेरा बेबी एक बिजनेस डील है। नहीं अभी, जो भी किया कुहू ने किया है। जो भी किया आपने किया है माँ, लेकिन इसमें हमारे बच्चे की क्या गलती थी? पैदा होने से पहले ही, इस दुनिया में आने से पहले ही आपकी गेम का हिस्सा बना लिया आपने। अबीर, मिस्टी, मैं मिस्टी को सच नहीं बता सकता। मिस्टी, पर कुहु टीचर इसे देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी ना। लेकिन ये हमारे बेबी के लिए है मामी, कुहु के लिए नहीं। पिछले कुछ महीनों में मिस्टी बहुत परेशान रही, सरोगेसी को लेके तो और परेशान है। नहीं, लेकिन बड़ी माँ भी अभी आनी है, मुझे उसे बताना ही होगा। अबीर, अबीर तुम मिस्टी, ये उनके लिए गेम है। मैं जानती हूँ तुम कुहू और कुणाल से नाराज हो ना, लेकिन कुहू तो हमेशा से ही ऐसी रही है अबीर, और कुणाल बस अपनी वाइफ का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं फिलहाल अपने अजीब राजवंश और बीशी पे फोकस करना चाहती हूँ। मैं देखता हूँ माँ आई या नहीं। सुनो, होमवर्क घर पे भूल गए हो, शर्मा रहे हो, स्ट्रेंजर हो, तो फिर मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे? अबीर, मैंने सोचा है कि हम कुहू की प्रेगनेंसी फोटोज को फ्रेम करके हमारे रूम में लगाएंगे। हमारे बेबी को पता होना चाहिए ना कि उसे इस दुनिया में लाने वाली उसकी चाची है। मुझे पता ही नहीं था कि कुहू मुझसे इतना प्यार करती, वरना वो सरोगेसी के लिए कभी हाँ ही नहीं कहती। अबीर, मैंने तो तय कर लिया है कि हमारा बेबी आ जाए ना, तब मैं कुहू से कह दूंगी कि अकॉर्डिंग टू हर मेरे और उसके बीच में जो भी रेस लगी हुई है ना, वो जीत गई हमेशा के लिए। आज तक जो भी हुआ है वो अगली जनरेशन में नहीं होगा। अबीर, अच्छा, एक लुक में टॉपिक ही चेंज कर दिया। बताओ क्या बात है, क्या सोच रहे हो तुम? कैसे बताऊं, कुहू ने ये सब तुम्हारे प्यार के लिए नहीं, अपने लालच के लिए किया है। मिस्टी, सॉरी, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। बस माँ और कुहू को लेके थोड़ा परेशान था, बट यू राइट, एक बार हमारा बेबी आ जाएगा ना तो हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रहेंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं आने देंगे। आर यू श्योर इसके अलावा कोई बात नहीं है? नहीं। ओके। और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि और कोई बात ना हो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।